सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने पहले जो पेशेंट आए, जब आप लोग जब आपसे ये पेशेंट देखते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है ना, किस तरह के जो पेट पहले खुला हुआ दिख रहा है, जुम्मत तो लगा रहे दिख ठीक रहा है? बताऊंगी पेट कब खुलता है, पेट खुले हुए दिखा कब 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 दिखता बोलो। एक बात तुम बोलो, यूरिन पास नहीं हुआ एक, ठीक है मतलब यूरिन किसी का अगर पास नहीं हुआ तो पेट खुलता है, ठीक है। तुम बोलो खाना खा लिया, ठीक है सही एकदम सही है। तुम बोलो पेट ऐसा बड़ा दिख रहा है, अचानक से बड़ा दिखने लगा है, कब होता है ऐसा? प्रेगनेंसी में भी होता है। कॉमन ठीक है, अभी बाद में पता चलेगा कि बीमारी क्या है, लेकिन कॉमन नहीं है ये, साधारण प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम क्रिटिकल प्रॉब्लम। अब इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म के अंदर असाइटिस, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं असाइटिस, क्या बोलते हैं असाइटिस। अब असाइटिस मतलब उसको मेडिकल टर्म में अगर देखेंगे तो पानी, यानी कि पानी के थैला बैग आम जुबान में। इसमें क्या हो जाता है, ये जो पेट पेट के अंदर जो कवर है, तो कवर के अंदर क्या हो जाता है, फ्लूड जमा हो जाता है, क्या जमा हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड, क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड। अब्डोमिनल स्वेलिंग कॉज बाय एक्यूमुलेशन फ्लूड मोस्ट ऑफन रिलेटेड टू लीवर डिजीज, और इसका ज्यादातर वजह जो है तो लीवर डिजीज है, वजह से होता है लीवर का रहता ये साइड में लगता, राइट साइड में रहता है सिम्टम है, ये कलामत। इसका कोई एक वजह नहीं है, इसकी बड़ी बड़ी वजह याद रखने, किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और ज्यादातर जो है लीवर की प्रॉब्लम, कहीं की लीवर। अब लीवर की प्रॉब्लम में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसलिए अपन को क्या बोलते हैं, स्टाफ को क्या बोलते हैं कि कभी भी किसी का ब्लड अपनों को टच नहीं होना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी है कि वो ब्लड के जरिए ट्रांसमिट हो सकती है, तो अगर हमको लग गई तो हमको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शन है, और लीवर की जितनी बीमारियां होती हैं वो ज्यादातर शराब से होती है, अल्कोहल से होती है, जिसके अंदर एक कॉमन चीज है सिरोसिस ऑफ लीवर, मतलब एक बीमारी होती है लीवर की, कौन सी, सिरोसिस ऑफ लीवर। और बचपन से किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। तो एक वजह मैंने आपको बता दिया, क्या कौन सी, लीवर की प्रॉब्लम, चाहे बीटा हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, बचपन के बचपन से जो लीवर की कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन शराब पीते जा रहे तो भी लीवर खराब हो रहा, ठीक है। और उसके अलावा और क्या हो सकता है, इन्फेक्शन या फिर कैंसर, तो ये हेपेटाइटिस होने की वजह जो है, ये असाइटिस होने की वजह जो है तो सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया, किडनी, किडनी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, और उसके अलावा हार्ट का कंजेस्टिव हार्ट फेलर, उसकी वजह से भी, इन्फेक्शन अगर है अपने पास आसपास जो है, ज्यादातर लोग टीबी जिसको जाते हैं, नाम सुने टीबी, तो टीबी का इन्फेक्शन पेट में भी होता है, टीबी सिर्फ छाती में नहीं होता, कहाँ पे होता, पेट में भी होता है, तो इसकी वजह से भी असाइटिस यानी पानी जमा हो सके। और एक कॉज है उसका, यहाँ शरीर के अंदर यानी पेट में जो अलग अलग ऑर्गेन है, कितने शरीर में अपने कितने ऑर्गेन है, क्या क्या है, इतनी जगह बोलो जनार्दन, इतनी जगह क्या क्या रहता है, लेडीज में अलग, जेंट्स में अलग, लेडीज में यूटेरस रहेगा, फैलोपियन ट्यूब रहेंगे, और जेंट्स में प्रोस्टेट रहेगा, और सबसे कॉमन क्या रहेगा, किडनीज रहेंगी, किडनी कितने रहते हैं, दो, दो, और क्या रहता है यहाँ, स्टमक है, इसके अलावा पैंक्रियास, स्प्लीन, ये पेशेंट की स्प्लीनोमेगली भी ना, तो ये सब ऑर्गेन के अंदर कहीं भी अगर कैंसर रहा, पेट के ऑर्गेन में 19 ऑर्गेन रहते, 18-19 ऑर्गेन रहते इतनी जगह पर, इतने एरिया में, यहां तक कि लंग्स कैंसर भी अगर रहा, फेफड़ा ऊपर रहता, लंग्स फेफड़े वहां पर भी कैंसर रहा तो भी असाइटिस हो सकता, समझ में आया, ये लीड सक कर सकते हैं असाइटिस को, तो ये इसके काउजेज हो गए, क्या हुए। अच्छा आप दिमाग लगाओ कि ये हो गया, तो हमको ये एग्जामिनेशन जो है तो ऐसे नहीं हो जाता, डॉक्टर जो है तो इसके लिए रिपोर्ट करते,
सोनोग्राफी करते, सिटी स्कैन करते, ठीक है। और हमको कैसे समझ में आएंगे, आप गौर से देखेंगे, ये देखो ये सूजन है, पेट के साथ साथ पैरों को भी सूजन है, दिख रहा है, दोनों पैरों को सूजन है, पर ये दबाने के बाद जो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, थोड़ा डीप देखो, दबाने के बाद क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं बाइपेडल एडिमा, क्या बोलते हैं, फेडल एडिमा, बाय मतलब दोनों साइड के पैरों की गया। स्प्लिटिंग है। तो जिसको भी एसाइटिस यानी पेट का पानी या जलोदर उसको बोलते हैं हिंदी में, जिसको भी पेट का पानी भर जाता है उसको क्या क्या लक्षण ही दिखेंगे, एकदम कॉमन सेंस, एकदम पेट पेट फुला हुआ, फुला हुआ दिखेगा, एयर में सूजन, पैरों में स्वेलिंग आई, वेरी गुड, बाइपेडल एडिमा, ये तो साइन हो गया, और क्या दिखेगा, जब पेशेंट आया तो क्या कंप्लेन लेके आएगा, कुछ और दिनों से मेरा पेट जो तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, सांस लेने इसको में मोटा तकलीफ हो लगता है, रही है। मोटा होगा, लेकिन वो ये तो अलग ही मोटा होगा, ये मोटा नहीं बोलेंगे उसके, ये तो अलग ही प्रॉब्लम हो रहा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सही बात बोलो, सांस लेने में तकलीफ होना क्योंकि ये लोड जा रहा, ठीक है, और क्या होगा बोलो, और क्या क्या होगी, अपचन हाँ, अपचन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड छह सात प्रॉब्लम दिखेंगी, क्या क्या दिखेंगी, अपचन, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, और क्या दिखेगा, बैठने में तकलीफ यूरिन होगी, और यूरिन पास नहीं होगा, यूरिन पास नहीं होगा, और क्या होगा, और बैक एक होगा, कमर का दर्द होगा, बैक एक होगा, और ऐसे पेशेंट को थकान रहेंगे, दिख रहा मोटा लेकिन अंदर से खोखला, ये पेशेंट का 3.HB है, HB कितना है, खून कितना है, इसकी क्या बोटे चालू है, ये चीज है, समझे, तो हम तो सब शॉर्टकट में समझने को, अब इसके लिए क्या क्या जांचें होती बोलो, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हो सकती, दिमाग लगाओ, सबसे बेसिक क्या होंगी, सोनोग्राफी, जैसे अपने पास रिपोर्ट में इनकी क्या क्या समझ में आया, एसआईटी समझ में आया, बाय पोर्टल हाइपरटेंशन समझ में आया, एसआईटी सिरोसिस ऑफ लीवर समझ में आया, ये कैसे समझ में आया, सोनोग्राफी से, तो सोनोग्राफी, यूएचजी अब्डोमेन एंड पेल्विस, ये हमको समझ में आया, और क्या कर सकते हैं इसके लिए, सीटी स्कैन, और क्या कर सकते हैं बोलो, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जैसे मैंने बताया कि कैंसर की भी वजह हो सकती है, तो कैंसर जांच करने के लिए क्या करेंगे, अभी अगर हमको कैंसर डाउट जा रहा है कैंसर तो क्या जांच होती है बोलो, टाइपिंग ये जो फ्लूड यहाँ पर है इसको निकाल टाइपिंग सकते, टाइपिंग हाँ, असाइटिक जो फ्लूड है उसको, यानी ये सैंपल को निकाल कर जो होता हूँ जांच कर सके, एक ये चीज हो गई, ट्रीटमेंट क्या और क्या साथ में होता क्या है, इसमें प्रिवेंशन क्या क्या रहता है, इसको नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, डायूरेटिक्स दिया जाता है, डायूरेटिक्स मतलब पेशाब लाने वाली दवाएं, टिप्स बोल के एक जो है खास प्रोसीजर होता है, वो इसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और टैपिंग वगैरह हम देखते हैं पानी जो निकाला जाता है, तो ये जो आज का केस था असाइटिस, दो चार बार बोलेंगे तो याद हो जाएंगे, असाइटिस और सीखना चाहिए, ये असाइटिस का केस था, आप लोगों को मैंने बताया, तीन बड़े बड़े फंक्शन मुझे बता दो, तीन बड़ी प्रॉब्लम की वजह से होता है, क्या कैसे होता है, किडनी, हार्ट और लिवर। लिवर, ये मेन हो गए, समझ में आ गए, अच्छे समझ में आया, कुछ क्वेश्चन करना है किसी को,